दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट तो मार्केट में बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसा सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप लोग किसी भी फसल में डालते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इफको कंपनी का सागरिका Z++ दानेदार और लिक्विड दोनों के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि सागरिका Z++ क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसको कौन कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं और फसल में प्रयोग करने के बाद क्या क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलता है, और उसके अलावा इसको हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम DAP 10-26-26 या फिर जो यूरिया खाद होता है इसके साथ क्या मिला करके एक साथ में फसल पर प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा बाज़ार में ये कितने प्राइस के ऊपर मिलता है, पूरे डिटेल्स में आज हम इफको कंपनी का सागरिका Z++ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सागरिका Z++ क्या होता है। तो सागरिका Z++ एक ऑर्गेनिक खाद होता है जो कि सामुद्रिक शैवाल से बनाया जाता है। तो सागरिका Z++ को सामुद्रिक शैवाल जो कि लाल एवं भूरे शैवाल के रस से बनाया जाता है, और इस रस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, विटामिन और अन्यान्य पोषक तत्व भी उपस्थित होता है, जैसे कि NPK जिसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम बोलते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। तो इतने सारे पोषक तत्व भी इसके अंदर पाया जाता है, और उसके साथ साथ पौधे वृद्धि जो हार्मोन होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ब्रिटेन और मैनिटोल। तो ये सब आप लोगों को सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी सामुद्रिक शैवाल जो कि सागरिका Z++ आता है उसके अंदर पाया जाता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं सागरिका Z++ को फसल में प्रयोग करने के बाद क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों सागरिका Z++ फसल की पैदावार को बढ़ाता है और पौधे के संपूर्ण पोषक तत्व को भी उपलब्ध कराता है, जिसके कारण पौधे की बढ़वार, जड़, तने, फल और फूलों का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ फसल की शारीरिक दक्षता को भी बढ़ाता है जिससे पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व अवशोषित करता है, और उसके साथ साथ पौधे का उपज को भी बढ़ाता है जिसके कारण फल का जो आकार होता है, रंग होता है या फिर स्वाद होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, और जिसके कारण मार्केट में सबसे ज़्यादा बेच जाता है सबसे पहले। और उसके अलावा सागरिका Z++ को फसल के विभिन्न प्रकार के तनाव जैसे कि रोग, कीट, इसके ऊपर भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिसके कारण रोग कीट का अटैक नहीं होता है जल्दी में। आप दोस्तों बात कर लेते हैं सागरिका Z++ को हम लोग कौन कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग सागरिका Z++ को आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर धान के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग सब्जी की खेती में भी प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं सागरिका Z++ को हम लोग कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सागरिका Z++ को डाल रहे हैं और 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला करके डाल रहे हैं। आप लोग 10-26-26 या फिर जो DAP खाद होता है उसके साथ भी मिला करके डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग किसी भी खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाज़ार में कितने प्राइस के ऊपर कौन कौन सी पैकिंग मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को बाज़ार में 10 kg का बाल्टी भी मिल जाएगा या फिर जो 10 kg का पैकेट है वो भी मिल जाएगा। जैसे कि मेरे जो राइट साइड में देख रहे हैं आप लोग, ये है 10 kg का बाल्टी, और जो इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है 10 kg का बैग। तो आप लोग दोनों मार्केट में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस होता है वो लगभग आप लोगों को मार्केट में 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और जो 10 kg का बैग होता है इसका लगभग आप लोगों को 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन रेट के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें क्योंकि रेट हर स्टेट पर, हर मार्केट में अलग अलग हो सकता है। और अगर आप लोग सागरिका Z++ लिक्विड के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स में हम वीडियो बना के ऑलरेडी रख दिए हैं। तो ये था दोस्तों सागरिका Z++ जो दानेदार खाद आता है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।